हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग सबसे रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक होने वाला है। तो आज का व्लॉग है कि हम सब कैसे मिले थे, पहली मुलाकात कब हुई थी। ये चीज बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप लोग कैसे मिले थे, कब मिले थे, प्लीज बताओ। मिल गई तो अभी सारी की सारी स्टोरीज बताते हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, शुरुआत से शुरू करते हैं कि हम सब में से सबसे पहले कौन लोग मिले थे। एक्चुअली बता क्या, सबसे पहले मैं सिक्स क्लास में, हम लोग सब माइमोन स्कूल से पढ़े हुए हैं। हाँ। तो सिक्स क्लास में मैंने एडमिशन लिया था उस स्कूल में, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था। तब ये हुआ करता था क्लास मॉनिटर झूठ बोल रहा है, तो सबसे पहले मेरे से मिला था। मिला तू जब इंडियन चिल्ड्रन अकेडमी में पढ़ता था, अपने जयपुर पब्लिक में पढ़ती थी ना, तो तू आता था वहाँ पे। एडमिशन लिया था, मैं फर्स्ट बेंच पे था और ये था क्लास मॉनिटर। ये भाई साहब एकदम ऐसे कि भाई प्रेसिडेंट डॉन, क्लास का डॉन, मतलब इसका डॉन, इसकी चलती थी वहां पर, सब इसकी बात मानते थे। सब बच्चे ये बोलते थे लाइन में लग जाओ, सब लाइन में लग जाते थे। ऐसे पढ़ता भी था और क्लास मॉनिटर का भाई मैं भी टॉपर था। मैं हाँ, तो टॉपर था ये तो इसके साथ रह के हो गया ना। पता है फिर हमारी दोस्ती कैसे हुई, हमारे को बिल्कुल भाव नहीं था जब हम न्यू एडमिशन आए। ये अलग ही भाई, हम ग्रुप था इनका अलग ही। पता ये क्या, हम लंच टाइम में मैं नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था और गलती से इसके एक लड़का टकराया। इसको शायद याद नहीं होगी ये चीज, ये गलती से टीचर से बचने के लिए कि मैं शिकायत नहीं करती, इसने मेरे को अपनी टीम में ले लिया। फिर लेकिन हम साथ में बैठने लगे और फिर साथ ही रहे। ये चिमट गया, ये साला मॉनिटर था ही अच्छा, मतलब पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन सबसे ज्यादा उद्यमी भी यही था। मतलब जैसे ना बिगड़ा हुआ बच्चा, ये मैडम के सामने सबसे उतरा हुआ और पगल में बैठो तो भाई ये नाइन्थ क्लास के बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, मैं जैसी बातें करता था। हम दोस्त बने बहुत अच्छे, फिर हम एक दूसरे के घर वगैरह जाने लगे, फिर दोस्ती पक्की होती गई, फिर पतंग उड़ाई खूब सारी साथ में, हम ऐसे मिले। उसके बाद में मिला हम लोग, हमारी वैन भी सेम थी क्योंकि सिविल लाइन था, उसके घर के पास में आ रहती हूँ। तो उसके बड़े भैया थे, उनके सामने पे पैसे निकालो, वो मेरे पैसे निकाले, मुझे पता नहीं कि इसके बड़े भैया है, वो मुझे यूं देख रहे और मैं इसको भूल जा रहे उधर से किसान ये है वो है ये वो। फिर वो बात वही खत्म हो गई, फिर ये माशे हो गए फेल। फिर ये फेल होके आया हमारे जीवन में, इसके जीवन से निकल के हमारे जीवन में आ गया। मेरा तो सुधर गया, इनका पता नहीं। पता है क्या, फिर अब ये पहले मैं इससे मिला, फिर तू इससे मिली, उसके बाद ये तुझसे मिला। हाँ, फिर हर्ष से मिली। यानी हमारी सबसे सीधी हुई है। पता है कैसे हर्ष से कैसे मिला, एक लड़का था जो इसका बहुत बुरा काट रहा था, मैं इसको जानता था ऐसे, ये भी वो था एक लड़का था जो कि इसका काट रहा था बहुत बुरा, और वही लड़की का चक्कर बाबू। लड़की के चक्कर में भाई साहब ने जो जो मस्त हरकतें करी, अब वो कर एक ही दो नहीं तीन नहीं, वो मिलन का लोग थे सच्चाई जान लो दोनों थोड़ी। और
लड़की के चक्कर में वो इसको खूब पार्टियां ले, वो मिलवाने के चक्कर में वो उससे पार्टियां ले और उससे रिचार्ज करा रहा है, सब लड़की नहीं करवा रही, वो लड़का करवा रहा है फोन में। और है ना उस टाइम मैं देख लिया कि क्या सीन चल रहा है, तो बड़े आराम से काट रहा है इसको। और मैंने इसे पूछा भी, बोले क्या सीन है भाई, भाई अब ये पिघला हुआ, एक बार नॉर्मली देखा मैंने समझाया, हाँ तो समझा नहीं ये। फिर मैंने इसको लिया कि भाई इधर आ, तो पहले फिर मैंने उसको सब चीज समझाई, देख ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, फिर ये समझा, फिर ये बोला यार, मतलब फिर हम दोनों की दोस्ती हुई, यार तू तो अच्छा बच्चा है, तू तो अच्छा इंसान है, फिर ये मेरी से दोस्ती करके बोला हाँ मेरे को एक अच्छा सा इंसान मिल गया जो मेरा काटेगा नहीं। हम लोग 9th क्लास में हुए थे ना, 11th के एग्जाम में, जान पूछ के हमारे क्लास के बाद रोकता मेरे को तो स्पेशली, और मेरे से बाल नीचे करवाता, कोई मतलब का दोस्त नहीं था, बाल नीचे करता जिसको मैं ढंग से दोस्ती भी नहीं थी, ये अंदर भेजता था मुझे और ये रोक लेता था और मेरे बाल नीचे करवाता था। अरे मेरे को क्या है, मैं मेघना मैम को कोई बता देता कि सूरज और इनको भैया ये रोकते नहीं है, मेघना मेरे को चिल्लाती थी, मेघना हमारी प्रिंसिपल मैम थी, प्रिंसिपल मैम, मैंने जल्दी इसका बता दिया, इससे पहले मैं तेर से मिला था, मतलब हर दूसरे दिन ये इससे लड़ लेता था, फिर मैं इनको समझाता रहता था, फिर मैं इससे लड़ लेता था, और लड़ाई से एक वजह से होती थी, एक आदमी की वजह से होता था। डेंगू तब सही हुई वो सब चीजें, देखो बेचारे को डेंगू करना पड़ गया, तो मेरे से मिलने आए, वो भी मेरे दो दोस्त आए मिलने, लेकिन एक तो तब भी है ना, मैं उसमें जी रही थी, कुछ नहीं सबसे पहले मैंने ही फोन किया था इसको, और फिर मैंने इसको बताया था कि कालू को डेंगू हो गया, इसको डेंगू हुआ, तो फिर हम दोनों मिलने गए इससे, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर मैं तो नारियल पानी में लेते, कलर जूस पिया था, सब मेरा दोस्त आ गया, दोस्ती का मेन रीजन मत बता, मैं बेड पे पड़ा हुआ, मेरे को ग्लूकोज चढ़ रही है, मेरा गिलोरिया जूस भी जा रहा है, नारियल पानी। एक्चुअली बताया क्या, वो जो फेस था ना जिसमें हम सबकी आपस में लड़ाई हुई थी, सब अलग अलग हो गई थी, एकदम अलग अलग, ये शादी थी, तो हम दोनों की दोस्ती थी, लेकिन इन आपस में सबकी बिगड़ी थी, ये इससे बात नहीं करता था, मैं इससे बात नहीं करता था, एक बार मेरी भी बिगड़ गई थी, हाँ एक बार बीच में ये भी बिगड़ी थी, लेकिन फिर जब शुरू ठीक होने लगा ना सब, तो फिर उसके बाद तो सब समझ गए, हमें अकल आ गई, क्या कैसे होता है, मतलब होता है जो अच्छे बुरे लोग कब लोगों के बीच में जो भसड़ थे ना वो निकल गई, हां वो भसड़ कराने वाले सीन थे ना वो निकल गए, उसके बाद से अभी तक ना एक भी दिन लड़ाई नहीं हुई, मतलब एक होता है ना अच्छे बुरे लोगों में जब आपको डिफरेंस पता चलता है, वो एज के साथ ही पता चलता है, कुछ टाइम से निकल के पता चलता है, तो पूरा टाइम हमारी लाइफ से चला गया और अब अच्छा टाइम उसकी चोटी हिलती हुई यार, ये क्या सीन है, मतलब इसके अंदर, मतलब इसको पूरी देखो, एकदम पतली सी, सूखी सी, एकदम पतली, लेकिन इसकी चोटी ऐसी कि बस मैंने कहा ये बोला था, मैंने कहा मैं बड़ी इंप्रेस हो गया, तो बड़ा अच्छा डांस करता है बच्चा, सूखला
ऐसे बाल उस टाइम सभी वैसे ही थे, उस टाइम सभी वैसे थे। तो फिर मैंने कहा यार इससे मेरे को बात करनी पड़ेगी, डांस वांस कहाँ सीखता है, तो मैंने इसको मैसेज किया फेसबुक के ऊपर। फिर हमारी थोड़ी थोड़ी बात होना चालू हुई ऐसे ऐसे करके, फिर हमारा जीवन बर्बाद होना चालू, फिर हमारा जीवन बर्बाद हो गया। फिर ना अगला हम दोस्त बने, फिर वही सीन हो गया, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, फिर ये मेरा, ये मेरा फ्रेंड बना, ये मेरा भाई बन गया। हां, और ये क्या बन गया, ये दुश्मन, ये सारा दुश्मन है सबका। इससे नहीं, इससे मेरा ना ज्यादा मतलब वो नहीं था, ये बस मेरे पास कभी कभी आता था, ऐसे करता था, और हमारा काफी डिसेंट था। और रियल जो मतलब एक आप कह सकते हो कि फ्रेंडशिप या जो भी मतलब भाई जैसा, मैं इसको कब बोलने लगी, जब हमारा ये काम वगैरह चालू हुआ, मतलब ये इसके पास जब मैं आपको बताती हूँ, ये है ना किसी और के साथ मतलब ये था कि मतलब उसकी कंपनी में रहता था, एक हमारा फ्रेंड था उसकी कंपनी में रहता था, फिर इसको मिला धोखा, बहुत तगड़ा धोखा। और जैसे ही इसके पास आया ना, मुझे बोला हर्ष मेरे पास आया, मैंने कहा कट गया उसका, कट गया उसका फिर से। फिर ये इसके पास आया, फिर उसने मेरे को बताया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, समझ गया कि भाई भसड मच गई थी बहुत ज्यादा। अभी थोड़े समझदार हो गए उसके बाद। अभी क्या पता है क्या, मैं ना अभी तक मेरे को इसका भी सीन याद है, मैं ना स्टेज से ऊपर जा रहा और ये उतर के नीचे आई, मैंने कहा यशी छोटी जैसे हो गया, ये बिल्कुल डिट्टो यशी लगती, कॉपी ऑफ यशी, वेट क्या है, कैप्टन हूँ ये जी, ये वाइस कैप्टन, मेरे ऊपर चिल्ला रहा सबके सामने, अरे कहीं जा रहे तो साथ जाते थे, कुछ खाने जा रहे तो साथ जाते थे, अगर इसके घर के पास ही पेटीज खाने जाते थे तो मैं अपने घर से इसके घर आ जाता। अगर हम चले जाए और उसको नई गलती से नहीं बताया, कुछ भी गलती से भी हो गया तो मेरे बिना किसी को साथ में मैं बताता हूं, हमसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, उसने मैसेज करा कि हम मेरे को आपसे मिलना है, मिल लेंगे ना आपको बताया क्या, हम लोग है ना फेसबुक पे इतनी बातें करते थे, इतनी सामने आते थे ना, तो ना ये कुछ बोलती थी ना मैं, ये तो सामने है। तो आते ही नहीं देख तरीके से समझ लो, हाँ। सामने एक दूसरे को देखते थे, अलग अलग रास्ते से जाते, जैसे दुश्मन हो, जैसे कभी मिले ही नहीं हो, लिटरली लाइक दुश्मन हो, हाँ, जानते ही नहीं हो, और ये हमें भी समझ नहीं आता था ऐसे क्यों करते थे हम, दोनों शर्मा जाते थे। बाकी मेरा हमारा ज्यादातर नाइट स्टे होता था एग्जाम्स में, इन लोगों का होता था, हम लोगों का होता था बेसिकली, इवन 12th जब हमने पास करी थी उसके बाद हमारी जो 2 महीने कॉलेज से पहले की जो वेकेशन थी मई और जून की, वो 2 महीने 60 दिन हम लोग सिर्फ एक दूसरे घर ही रहे, अभी लगता ना कि मम्मी का पारा तेज हो रहा है, इसके घर में शिफ्ट हो जाते सारे के सारे नाइट स्टे, फिर उधर से शिफ्ट हो जाते। अभी ना एक बार हम आपको बताते हैं कि हम लोग को कितने कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को, हमारी किस्मत फूटे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी किस्मत फूटी सही तरीके से फूटी, हाँ, हाँ। तो कहाँ घूम रहे होते सब अलग, ये जस्ट मोड पर आया ना एकदम होकर, तो ये सबसे बेस्ट टाइम आ गया, पुरानी दोस्ती हम दोनों की, हमारे को हो गए ऑलमोस्ट 12 साल,11, 12,
और ये फोर्थ ईयर में छह साल और यशी 9th 10th 11th 8th 8th. अरे याद नहीं है, याद नहीं है, यही थी हमारी स्टोरी की हम कैसे मिले और अभी तक कैसे एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने हमारी स्टोरी एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।